ये तो देखो सर, एसएचओ साहब है सर, सर क्या कर रहे हो आप? सर देखो, देखो अभी सर पुलिस प्रशासन का काम होता है लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखे, लोगों की खिदमत करे, लेकिन वही पुलिस वाले जब गुंडागर्दी पे उतर आए, ये तस्वीरें साफ आप देख सकते हैं, ये राजौरी की तस्वीरें हैं जहां पे एसएचओ राजौरी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं को गन के साथ मारा। बताया जा रहा है कि उनको गन के साथ मारा गया और भी तरह की हाथापाई की गई। ये घटना है राजौरी के कंट्रोल रूम के बाहर की, जहां पे एनसी के कार्यकर्ता बैठे थे, एसएचओ आए वहां पे उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन जिसके बाद उन्हें उनसे सवाल पूछा गया तो उसके बाद एसएचओ ने उनके फोन छीन लिए, उनको गन से मारा, उन्हें थप्पड़ मारा गया, जिसके बाद वहां के लोग काफी गुस्से में थे, नाराज थे और एनसी कार्यकर्ताओं ने वहां पे प्रदर्शन किया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से एनसी कार्यकर्ता का एसएचओ आबिद बुखारी फोन छीनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस वीडियो में ही हाथापाई की आवाजें भी साफ साफ सुनाई दे रही हैं। एनसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि आबिद बुखारी जो राजौरी के एसएचओ हैं, उन्होंने उनपे हाथापाई करने की कोशिश की और उनपे गन से मारने का भी प्रयास किया। साफ साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं और लगातार वहां पे प्रदर्शन जारी है। एनसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि ये एसएचओ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ है और उनके साथ मिलकर हरास करने की कोशिश की जा रही है। ये एनसी कार्यकर्ताओं का कहना है, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन में भी उन्होंने इमीडिएटली इस एसएचओ की सस्पेंशन की मांग की है। मारा और ये बात बोली कि आप शराब पी के आए, हम सबसे पहले चाहते हैं कि आप उनकी पहले टेस्ट करें, फिर ऐसे तो रजौरी को भी बोले कि हमारा इस टाइम इतना बड़ा कुमार चल रहा है, सर एक मिनट, सर एक मिनट, ऐसे क्यों की है बात, कोई भी नहीं खा सकता, मेरी बात ना सर ये गलत है, बात कोई रजौरी मराई लगा कराना, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है और सुने यहाँ पे लोगों को मारा, किसी कार्यकर्ता के साथ ये हम नहीं देखेंगे, उनको बोलो रिटर्न कंप्लेन दे, मुझे रिलायंस के कैंडिडेट के अलावा वो जावेद चौधरी साहब है, ये यशवर्धन सिंह है, हम लोग यहाँ क्यों बैठे, क्योंकि आप लोगों पे हमारे पास विश्वास नहीं है और हमें पता आप लोग ऐसा ही करो और आप लोगों ने ऐसा किया हमारे साथ, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल गलत बात है, पीछे मरती है।
निंदा कर रही है, इसके पीछे बंदी है। शराब बांटी है। एक मिनट सुनो मेरी बात, ये मैं रिकॉर्ड करूँ, मेरे किसी भी कार्यकर्ता को कुछ होता है और मैं खुद एक कैंडिडेट हूँ, सचो रजौरी एसएसपी रजौरी जिम्मेवार हो गए से एनसी प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी के समर्थन के जितने एनसी के कार्यकर्ता वहां पे बैठे थे, उन्होंने बताया है कि कंट्रोल रूम के बाहर एसएचओ ने उनके साथ बदतमीजी की है, गन के साथ मारने की कोशिश की है और इसी के साथ ही उन पे हाथापाई भी की है। कल इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है और इससे पहले इस तरह की कई वारदातें होते हुए दिखाई देती हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। लेकिन वही पुलिस वाले वर्दी में गुंडागर्दी करने लगे तो किस तरह की उम्मीदें उनसे रखी जा सकती हैं। इसी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जब तक एसएचओ की सस्पेंशन नहीं कर दी जाती है वह प्रदर्शन से नहीं हटने वाले हैं। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लेकिन पुलिस वाले ही जब गुंडागर्दी कर रहे हैं तो समाज में और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आपकी राय क्या है कि ऐसे एसएचओ को सर्विस में कंटिन्यू करना चाहिए या इमीडिएटली सस्पेंड कर देना चाहिए? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए जा सकते हैं।